दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और शिवानी मलोदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो आप लोग देख सकते हैं, आप बारिश का मौसम हो रहा है आज, बहुत अच्छा मौसम है, यानी कि ठंड है। कई दिन से मौसम ही अच्छा रहता है क्योंकि बारिश ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब यहाँ पर भी। ये बारिश तो दोस्तों सब सारे में है, इतनी टाइम तो सब जगह है। तो अब थंबनेल देखकर तो आप जान गए होंगे कि मैं किसको भी बात करने वाली दोस्तों आज, क्योंकि बहुत ही लोगों को कमेंट आता है कि जो नहीं कि बहुत लोगों को तो नहीं आता, बस दो तीन कमेंट कल आए थे हमारे वीडियो पर कि यानी कि कुछ तो शर्म कीजिए। इसमें दोस्त तुम ये बताइए कि हमारे वीडियो पर ऐसा क्या रहता है कि जो हमको शर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, बताइए। हमारा कुछ दिखता है या कुछ भी, यानी कि हम उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं जो हमको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बताइए। अरे ये बात उनको समझाइए कि जिनको ज़रूरत है, कि इतनी टाइम जो इतनी टाइम यूट्यूब पे कचरा फैला रखा, गंदगी फैला रखी है, उनको समझाइए ये बात जो जो कमेंट हमारे वीडियो पर करते हैं। ये कमेंट अगर उस पर उनके वीडियो पर करेंगे तो शायद ये सुधरने की थोड़ा घना कोशिश करेंगे। आप लोगों ने उनको बढ़ावा दे रखा, हमारी अच्छी वीडियो रहती है, कुछ नहीं उल्टा सीधा नहीं रहता तो हमारे हम तो अब कमेंट ठोक देते हैं कि हाँ थोड़ा शर्म कीजिए। इसमें शर्म वाली क्या बात है बताइए? हमारी कोई वीडियो ऐसी रहती हैं बताइए? इतना भी हम बेशरम नहीं है, इतना बेकार खानदान से रहे कि हमको पता है कि हमको कैसी वीडियो बनाती है, अच्छे बुरे का सब चीज़ का दोस्तों हमको पता है। इतना बेकार हम नहीं है कि हम कुछ भी बना के डाल देंगे या कुछ भी बोल देंगे आप सभी को, ठीक है। हमारे यूट्यूब फैमिली एक फैमिली की तरफ हम यूट्यूब को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा गए। अरे ये बात उनको समझाइए, अगर यही कमेंट उनके वीडियो पर करेंगे तो शायद वो थोड़ा घना सुधरेंगे, क्योंकि इतनी टाइम यूट्यूब पर कचरा इतना फैला रखा है, पेटीकोट उठा उठा के और ब्लाउज खोल खोल के जैसे वीडियो बनाती हैं। तो उनको समझाइए दोस्त, हमको मत समझाइए, हम समझदार हैं, हमको पता है कि हमारी फैमिली देखती वीडियो, हमारी फैमिली देखती, गांव में भी हमारे सब कोई देखता है वीडियो, तो हम इतना बेकार नहीं बनाएंगे कि हमको शर्मिंदगी महसूस होगी, ठीक है। तो ये कमेंट उनको कीजिए, हमको मत समझाइए, हम समझदार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीफ शरीफ आदमी को तो जीने का कोई वो ही नहीं होता, पता नहीं दोस्त ऐसा क्यों समझते हैं कि जन शरीफ लोग तो बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि कुछ जीने का उनका कोई वही नहीं रहता है कि वो जी नहीं सकते। शरीफ लोगों को आदमी ज़्यादा चूतिया बनाता है, बहुत ज़्यादा उनको ब्लैकमेल करता है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि शरीफ लोग उल्टा सीधा कुछ करते नहीं है, कहते नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा चूतिया बनाया जाता है। ये जो उल्टा सीधा काम करती है ना, इतना तेज़पना दिखाती है, इतना सब करती है ना, उनको नहीं करते, उनके में इतना अच्छा कमेंट आएगा, मैडम जी और उठाइए, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी टांग है आपकी, बहुत अच्छा चूती है आपका, उनको तो अच्छा अच्छा कमेंट करें, है नहीं। जो सही वीडियो बनाता है उनको कहते हैं कि थोड़ा शर्म कीजिए। अरे उनको कहिए शर्म करने के लिए, उनको शर्म की ज़रूरत है, हमको शर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नाम तो नहीं लूँगी भैया आपका, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, अपने से बड़ों को मैं ज़्यादा वो नहीं करती, नहीं तो गाली दे रही हूँ, नहीं कुछ कह रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ कि ये जो कमेंट मेरे आप मेरे वीडियो पर कहते हैं वही कमेंट उनकी वीडियो पर कीजिए, जो इतना बेशर्मी से वीडियो बनाते हैं, उनकी इज्जत मर्यादा कुछ खबर नहीं। क्या उनके बच्चे नहीं होंगे? कल के बच्चे होंगे तो उनके बच्चे भी देखेंगे तो यही कहेंगे हमारे माँ बाप देखो कितना अच्छा काम कर कर हमारा पेट पाले, हमको पढ़ाए लिखाए, टांग दिखा दिखा के और कच्छा बल यानी पहन पहन के चूची दिखा दिखा के वीडियो बना बना के हमारे माँ बाप हमको पाले, कितने अच्छे संस्कार होंगे ना उनके, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है दोस्त। उनको कमेंट करिए, समझाइए, उनको सिखाइए, हमको मत समझाइए, हम समझदार हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मजबूरी में पहनना पड़ता है, बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल शरीफ आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी कुछ भी कह देता। अगर हम भी ऐसे होते नहीं तो हमको कोई नहीं ऐसा कुछ कहता, पर हम तो ऐसे अपने यूट्यूब फैमिली को फैमिली की तरह मानते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारे यूट्यूब फैमिली को बुरा लगे कि हाँ तुम ऐसा क्यों करती हो, बिल्कुल फैमिली की तरह मानते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, चलती हूँ, और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।